दोस्तों क्या है कि अफसोस करने की तो कोई बात ही नहीं बनती है। हाँ, मैंने पिछले हार पे भी बताया था ना कि जागती हुई आंखों के सपने पूरे नहीं होते। हाँ, ये 2024 के T20 वर्ल्ड कप के सपने जो है ना, ये यहीं खत्म हो गए इस टीम के बदौलत। हाँ, 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीतना था, इंडिया से बदला लेना था तो ऑस्ट्रेलिया से बदला लेंगे, 2022 के फाइनल का बदला हम इंग्लैंड से लेंगे, जबकि हम ये भूल चुके हैं कि ये न्यूजीलैंड की जो है ना थकेली टीम है, वो हमें ये रख के जाएगी मुंह पे। ये हमने सोचा ही नहीं था कि ये टीम जो है कि नंगा करके चला जाएगा पाकिस्तान को, पाकिस्तान के घर में। हाँ, वो भी पाकिस्तान की बड़ी प्लेइंग 11 को, बड़े बड़े जो है ना, हम छक्के चौके यहाँ पे बैठ के चैनल पे बैठ के मार रहे होते हैं कि हमारी टीम ये, हमारी टीम वो, दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैनों को ट्रोल करके हम अपने बैट्समैनों को जो ना डिफेंड करते हैं, और ये टीम नतीजे में क्या देती है, ये पहली मर्तबा नहीं है, ये दूसरी मर्तबा हुआ है। अभी 6 महीने पहले की भी बात है कि न्यूजीलैंड की यही प्लेइंग 11 आई थी, ये छोटे लड़के आए थे जो पाकिस्तान को T20 में जो है ना, हाँ, वो कुएं में फेंक के चले जाते हैं, 2-2 से ये सीरीज बराबर हो जाती है, और वही छोटी टीम फिर से आई है, पाकिस्तान को नंगा कर रही है अपने ही घर में। पहला T20 मैच तो चलो पाकिस्तान ने जीता जैसे तैसे करके, पता नहीं क्या था ऐसा जो इन्होंने मैच जीत लिया। दूसरे मैच में न्यूजीलैंड ने क्या हालत करी, तीसरे मैच में, और सबसे बड़ी बात है कोई न्यूजीलैंड की बड़ी टीम नहीं है, हाँ, छोटी टीम है, और उस टीम को जो है कि न्यूजीलैंड ने नेसो नाबूद किया है, जिस टीम के हम कल में पढ़ रहे होते हैं, जिस टीम के हम अफसोस नहीं है। हाँ, आप देख रहे हो ना, मुझे कोई भी अफसोस नहीं है, पहले ही सोच लिया हमने कि भाई साहब इस टीम जो है ना करना ही जलील है, इस टीम ने ना कटवानी है पाकिस्तान की, तो वो सिलसिला चल रहा है, वो शुरू से ही चलता हुआ आ रहा है, ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होना है। हम बेवकूफ हैं, ये पाकिस्तान की आवाम बेवकूफ है जो इस टीम को जो है कि सर पे बिठाती है, इंडिया को ट्रोल करते हैं इस टीम के जो है कि बलबूते पर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जयसवाल, शुभमन गिल, उनको हम छोटा बताते हैं इन प्लेयर के बलबूते पर। असल में इन प्लेयर को वही है, उस वीडियो में मैं बता चुका हूं कि एक मैच कोई अच्छा खेलते हैं वो हमें याद रहता है, 10 मैच ये हारते हैं वो हमें याद नहीं रहता। हाँ, जैसे एशिया कप में हमारी टीम नंबर 1 उतरी थी, वर्ल्ड कप में हमारी टीम नंबर 1 उतरी थी, और सामने वाली टीमों ने चमाटे मार के घर भेजा था। वो नंबर 1 पता है कैसे बनी थी हमारी टीम, वो न्यूजीलैंड की छोटी टीम को हमने वनडे में हराया था, अफ्रीका की छोटी टीम को हमने वनडे में हराया था, ऑस्ट्रेलिया की छोटी टीम को हमने वनडे में हराया था, वेस्ट इंडीज की थकेली टीम को हमने वनडे में हराया था, फिर जो है कि हम वो नंबर 1 बन गए थे। हाँ, नंबर 1 बन गए थे एशिया कप में, हमें जो है कि इस चीज का घमंड था कि नंबर 1 है एशिया कप हमारा, इंडिया ले गई, फिर वर्ल्ड कप में वर्ल्ड कप हमारा। लेकिन क्या है कि हर टीम ने जो है कि ये जो ना बुद्धि के नीचे दबाकर और पाकिस्तान को इंडिया से रवाना किया था, और वो पाकिस्तान जब इंडिया से आती है तो ऑस्ट्रेलिया चली जाती है, ऑस्ट्रेलिया वाले औकात दिखा देते हैं, फिर न्यूजीलैंड चली जाती है, न्यूजीलैंड वाले भी औकात दिखा देते हैं, फिर न्यूजीलैंड घर में आता है और आके बोलता है कि पाकिस्तान को हमारे बड़े तो क्या, हमारे छोटे भी पेल सकते हैं। हमने कहा अरे आने दो इन बच्चों को, हमारी टीम में दम है, हमारी जो है कि टीम ने कमबैक करना सीख लिया है, जैसे आखिरी T20 हमने न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराया था ना, ऐसे बोलते हैं कि आने दो न्यूजीलैंड को, और न्यूजीलैंड वाले बोलते हैं कि अबे रुको तुम्हारी तो ऐसी की तैसी, और ऐसी की तैसी करके चले जाते हैं वो चौथे T20 मैच में, ऐसी की तैसी करती पाकिस्तान टीम की, और ये वर्ल्ड कप तो जो 2024 जीतेगी ऐसा हम कहते हैं, सही है, और नहीं कहते ऐसा हम कहते हैं तो लोग हमारी मजाक उड़ाते हैं, हमें लगता था कि वो गलत करते हैं लेकिन वो सही करते हैं।